Hello and welcome you back to the second session of Coding Pe Charcha, and I'm Prateek Bhayia and we have Munna Bhayia again. Hi. With us. So today's the second session and we would be taking up few more questions jo logon ne humse puche hain, right? So sabse pehle question aaya ki I won't get CS in any good college and I'm choosing a lower college, and so how to prepare for coding for my placements, and agar aisa campus hai jahan pe companies nahi aati to kaise placement ki taiyari karni hai. So ye question bhaiya humse pucha ek student ne. To main ek bar pehle is question ke answer aane se pehle main, ki mere ko aajkal counseling ka time hai aur bahut question aa rahe hain, ki pehle to ye question pooch rahe hain bacche ki mujhe apna IT ka brand chhod ke ya matlab acche college ka brand chhod ke mujhe ब्रांच पे जाना चाहिए नहीं चाहिए. जैसे अभी कल ही एक बच्चे ने पूछा था कि मेरे को आईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल मिल रही है और सीएस मिल रही है आईटी हैदराबाद में, गुवाहाटी में मुझे मिल रही है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन है कि आईटी की नॉन सीएस ब्रांच लें या फिर एनआईटीज की, जो कि अगेन टॉप कॉलेजेस हैं सारे, वहाँ पर हम सीएस ब्रांच लें, या फिर NSIT, DTU, Thapar, जो यू नो कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं बट नॉट IITs, बट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल कॉलेजेस, वहाँ पे नॉन CS ब्रांच लें, या फिर थोड़ा उससे नीचे वाले लेवल पे जाके कॉलेजेस में CS ब्रांच लें. तो CS वर्सेस ब्रांड वर्सेस CS, दोनों में से क्या चूज़ करें? तो थोड़ा मतलब डिबेटेबल आंसर है और यू नो हर एक की अपनी प्रेफरेंस है. तो इट डिपेंड्स कि अगर किसी को बिल्कुल क्लियर है कि मुझे CS में ही जाना है या हायर स्टडीज़ ही करनी है CS में, या CS में जॉब ही करनी है, ड्रीम कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल दीज यू नो टॉप IT कंपनीज, तो आई वुड से कि आपको डेफिनेटली ब्रांच पे जाना चाहिए. कोई फ़ायदा नहीं है आपने टेक्सटाइल ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल IT में, या सिविल ले लिया आपने, मैन्युफैक्चरिंग ले लिया, तो ऐसे नहीं वहाँ पर भी करियर बना सकते हैं. बट लेकिन यह कि वहाँ से केवल CS में जाना डिफ़िकल्ट होगा. तो अगर CS में ज़रा भी इंटरेस्ट है और आपको तो यू नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का डेफिनेटली फ़र्क होगा. तो इन अगर IITs में या टॉप कॉलेज में नॉन CS ब्रांच ले रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ पे डिपार्टमेंट में भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी टॉप में, क्योंकि थोड़ा नीचे जाते जाएंगे यू नो रैंक आपका डिपार्टमेंट रैंक नीचे होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब की और अनअट्रैक्टिव होती जाएंगी. वेर एज CS में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की. हाँ ऑफकोर्स में पढ़ना पड़ता है कॉलेज में, एक्स्ट्रा इंडस्ट्री की नॉलेज लेनी पड़ती है. हमने बात करी थी पिछले वेबिनार में, आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी और वो भी कुछ महीने नहीं, कई साल तक लगे रहना पड़ेगा, तब दैट ऑल्सो डिपेंड्स. तो थोड़ा पर्सनल जजमेंट है, बट अगर पर्सनली मेरे से पूछें तो जैसे मैं आई वॉन्टेड टू डू कंप्यूटर साइंस, मुझे IIT बॉम्बे में ऑप्शन मिल रहा था, मुझे याद नहीं मिल रहा था, मुझे दिल्ली में तो नहीं मिला था, आई टू जॉइन इलेक्ट्रिकल. तो मुझे लग रहा है कि मैं अगर CS में करता तो और अच्छा रहता, दो आई कुड स्टिल गो इनटू CS लाइन. बट तो जो कई बार बच्चे नहीं भी कर पाते हैं उनको, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में पढ़ाई करनी होती है, तो और उसके बाद उनको इकोसिस्टम नहीं मिल पाता, वो वाला जो पीयर का इकोसिस्टम ने बात करी थी, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से जाके CS सीखना थोड़ा मुश्किल लगता है उनको. तो पर्सनली अगर मेरी एडवाइस तो रहेगी, थोड़ा कॉलेज अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है ब्रांड, तो CS is should be the right way to go, because the opportunities CS में आती. हाँ, किसी ने मैनेजमेंट स्कूल में ही जाना है, CS में क्लियर है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और क्लियर है शायद ना भी जाएं, तो डेफिनेटली फिर ब्रांच पे फोकस, डेफिनेटली फिर कॉलेज ब्रांड पे फोकस करना चाहिए कॉलेज के, क्योंकि CS ब्रांड मैटर्स ऑल्सो, राइट? तो आपका कोई ओपिनियन? तो मैं भी यहाँ पे एग्री कर रहा हूँ. तो अगर ब्रांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जैसे मे बी IIT में आपको एक ब्रांच मिल रही है और या ब्रांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, IIT में आपको कुछ टेक्सटाइल मिल रही है और DTU NSIT में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, तो आपको DTU NSIT ही लेना चाहिए. बट मान लो आपको IP के किसी कॉलेज में CS मिल रही है और IIT में आपको एक डिसेंट ब्रांच मिल रही है, तो आई विल सजेस्ट कि आप IIT वाला चॉइस पिक करो. DTU NSIT में अच्छी ब्रांच, नॉन CS ब्रांच मिल रही है, और बहुत ही किसी दूर कॉलेज में Tier 3 कॉलेज में आपको CS मिल रही है, तो भी आई विल सजेस्ट कि आप VIT, BVP, DTU, NSIT इस टाइप के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आप अपनी CS, IT, सॉफ्टवेयर या मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है, इस टाइप की ब्रांचेस भी हैं. तो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का 4 साल पहले ऐसे था, किसी को पता ही नहीं था, नई ब्रांच थी,
तो स्पॉट राउंड तक सीट्स नहीं भर रही थी, बट आजकल कट ऑफ उसका काफी अच्छा जाने लगा, क्योंकि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में भी आप सीएस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है बच्चों ने वो सब्जेक्ट्स के ऊपर ही है. कि कंप्यूटर साइंस में अगर मैं लेता हूं तो किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि अभी तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी है, राइट? तो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ाते हैं, ये कोडिंग है या कुछ और भी है उसके अलावा? तो यहां पे कंप्यूटर साइंस, तो बीटेक में रफली आपके पास 40 के आसपास सब्जेक्ट्स आपको करने होते हैं 4 साल में. तो हर कॉलेज का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है. सो फर्स्ट ईयर का मोस्ट कॉलेजेस में ऐसा है कि जो आपका करिकुलम है वो जेनरिक है सारी ब्रांचेस के लिए. ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग ही पढ़ रहे हो, आप केमिकल भी पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हो. तो फर्स्ट ईयर आपका मोस्ट कॉलेजेस में आपका जेनरिक होगा एंड यू विल बी स्टडिंग डाइवर्स टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट? मैथ्स का कोर्स भी करना पड़ता है, मैथमेटिक्स का भी कोर्स होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, तो वो सब कोर्सेज हैं. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको वो कोर्स करने हैं क्योंकि आपको अपने मार्क्स भी मेंटेन करके रखने हैं. कॉलेज में CGPA भी मैटर कर जाती है. जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो कंपनी आएगी, दे विल से कि हम 8 CGPA से ऊपर वालों को बैठने देंगे या 8.5 से ऊपर वालों को हम सिलेक्ट करेंगे. तो उसके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है. एंड इट्स बेटर कि आप फर्स्ट ईयर से अपने मार्क्स एक डिसेंट लेवल के मार्क्स अचीव करके रखो. मैं नहीं कह रहा कि 10 चाहिए, 9 चाहिए, तो एटलीस्ट 8.5 आपकी CGPA होनी चाहिए ताकि आप कंपनीज के एटलीस्ट इंटरव्यूज में बैठ सको, ठीक है? तो सेकंड ईयर में आपके मेन कोडिंग वाले सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी आ जाएगी, C++ या जावा. देन फोर्थ सेमेस्टर में आपका एल्गोरिदम्स का सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? उसके अलावा यू विल हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट? सो सब लोग लैपटॉप यूज करते हैं, तो यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज OS है, मैक OS है, लिनक्स OS है. तो उसके प्रिंसिपल्स, नॉट ऐसा नहीं होगा आपको OS का कोड लिखने के लिए दे देंगे. IITs में हो भी सकता है, IITs में जो असाइनमेंट्स होते हैं वो काफी रिगरस होते हैं एंड दे इन्वॉल्व लॉट ऑफ कोडिंग. बट अगर आप IITs में नहीं हो तो आपको काफी सारी चीजें खुद से या कोर्सेज करके सीखनी पड़ेंगी. IITs में इतना प्रेशर होता है कि यू हैव टू डू इट एज अ पार्ट ऑफ द क्लास असाइनमेंट. बट बाकी कॉलेजेस जैसे मैं DTU, NSIT, NITs की बात करूं, वहां पे कॉलेज की फैकल्टी आपको पुश नहीं करेगी कि कोड लिखो, आप खुद से ही आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? और भी सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि कंपाइलर्स, कोड आप लिख रहे हो तो कोड कंपाइल कैसे हो रहा है, या फिर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ये भी एक सब्जेक्ट होता है. डेटाबेस सिस्टम एंड डिजाइन, जैसे आप फेसबुक की ऐप यूज कर रहे हो तो यू हैव अ वेब सर्वर जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और वहां से आपका डेटा निकाल के आपकी कुछ न्यूज फीड जनरेट कर रहा है. तो डेटाबेसेस कैसे डिजाइन होते हैं, क्या रिलेशनशिप्स होते हैं डेटाबेस में, कैसे क्वेरीज करते हैं, ये सब्जेक्ट होगा. वेब डिजाइनिंग का एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है? एंड आजकल मशीन लर्निंग और AI रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी कॉलेजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड NSIT की बात करूँ तो उन्होंने एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी है, CSAI, कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे. एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे IIITs की बात करें, उनमें फर्स्ट ईयर से ही आपको कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, उनमें जेनरिक करिकुलम नहीं है, राइट? तो अगर आप IIIT वगैरह कॉलेज में जा रहे हो तो आपको कोडिंग में और ज्यादा छुट्टियों में ही मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? एंड बाकी कॉलेजेस में भी स्टार्ट फ्रॉम योर समर वेकेशन या अगस्त से लग जाओ कोडिंग में. बाकी मुझे एक कोर्स याद आ रहा है, अब तो बहुत पुरानी बात है, इसे लीनियर अलजेब्रा का, कंप्यूटर साइंस वाले करते थे, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो मैंने तो वो नहीं किया था, बट मुझे बड़ा इंटरेस्ट था उस कोर्स में, मैट्रिसेस वगैरह ही ज़्यादा था उसमें. बाकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कोर्स हमने भी किया था इलेक्ट्रिकल वालों ने, और कंप्यूटर साइंस वालों ने साथ किया था. माइक्रो प्रोसेसर्स इज वन कोर्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज वन कोर्स, की हार्डवेयर के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और काम करते हैं, बसेस के थ्रू कैसे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, कैसे CPU आपका डाटा प्रोसेस कर रहा है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड कोर्स है. वो आपको होगा डेफिनेटली इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर CS और IT ब्रांच, तो उस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको. तो जैसे कंप्यूटर में जो मेन जो कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, तो वो उस कोर्स में पढ़ाते हैं कि CPU व्हेन अ स्मॉल चिप, यू नो हाउ ही मैनेजेस ऑल द कैलकुलेशन एंड ऑल द प्रोसेसिंग. बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, बट नॉट द कोडिंग, बट मोर अराउंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिक्स कोर्स. एक चीज यही है कि कॉलेज वाले मोस्ट कोर्सेज आपके थ्योरेटिकल होंगे, आपको जो एग्जाम्स होंगे दे विल बी टेस्टिंग योर कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने पता हैं, बट आप कोड करके कितना देख रहे हो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है?
एंड प्रोजेक्ट्स आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, एक माइनर प्रोजेक्ट होगा, मेजर प्रोजेक्ट होगा थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, एंड वो सब कोडिंग आपको खुद से सीखनी पड़ेगी. डोंट एक्सपेक्ट कि फैकल्टी ने हमें नहीं बताया तो हम कर नहीं पाएंगे. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, राइट? तो जो प्रोफेसर भी होंगे आपके, उन्होंने जो प्रोग्रामिंग की होगी वो 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो दे आर नॉट वेल अपडेटेड विद कि आजकल मशीन लर्निंग में क्या चल रहा है, या आजकल C++ 14 में क्या नए फीचर्स आ गए, या आजकल एंड्रॉयड एप्स कैसे बन रही हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको अप टू डेट खुद से ही रखना पड़ेगा आपको. तो ये अब क्वेश्चन अगला है, किसी ने पूछा है कि हाउ टू गेट जॉब्स इन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, व्हाट शुड बी माय रोड मैप, हाउ आई कैन प्रिपेयर माय सेल्फ टू गेट यू नो जॉब्स इन दीज कंपनीज. So maybe you are the right person to answer this question. So देखो ऐसा होता है, मैंने लास्ट वेबिनार में भी बात की थी इसके बारे में कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत बड़े लार्ज स्केल डेटा पे काम करती हैं, जैसे गूगल के पास पूरी दुनिया का डेटा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास पूरी दुनिया का डेटा, फेसबुक के पास भी पूरी दुनिया का डेटा, राइट? सो उनके सर्वर पे जो एल्गोरिदम्स होते हैं दे नीड टू बी वेरी एफिशिएंट. अगर मान लो हमने एक एल्गोरिदम लिखा जो 2 सेकंड ले रहा है, एंड किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर ने सेम एल्गोरिदम लिखा जो 0.5 सेकंड ले रहा है, और गूगल के पास मान लो 10 लाख रिक्वेस्ट है, तो आपने 20 लाख सेकंड्स लगाए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर वाला एल्गोरिदम 5 लाख सेकंड्स में मान लो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि आप एफिशिएंट एल्गोरिदम लिख पा रहे हो या नहीं, ठीक है? अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो, लेट से उसके पास इतना ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, वहां पे थोड़ा सा अगर अनऑप्टिमाइज भी है तो रियल लाइफ पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा. बट जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, आपका एल्गोरिदम लेट से 90% एक्यूरेट है इन डिटेक्टिंग कि सामने पर्सन है या नहीं. इट मींस अगर वो गाड़ी के आगे 100 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग को वो गाड़ी उड़ा देगी आपकी, ठीक है? बट वी डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन लाइफ. तो आपका एल्गोरिदम ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट होना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी के आगे देर इज अ पर्सन, इट शुड बी एबल टू डिटेक्ट कि दिस इज अ पर्सन एंड आई हैव टू अप्लाई द ब्रेक्स, राइट? सो वहां पे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, राइट? बट अगर आप कुछ फन के लिए गेम वेम बना रहे हो, इट इज फाइन, राइट? सो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक डायरेक्ट इस टाइप की कंपनीज दे एक्सपेक्ट कि यू शुड बी वेरी गुड एट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, बट डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव पे नहीं आप जा सकते. यू हैव टू फर्स्ट लर्न प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. आपने एक लैंग्वेज पकड़ी, लेट्स से C++, उसका सिंटैक्स सीखा, then you dive into problem solving. हमने छोटे छोटे pattern solve किए, छोटे छोटे mathematical question solve किए, then you learn to apply data structures and algorithms. उसको कैसे problems में apply करना है, ठीक है? For example, अगर हम Google Map की application बना रहे हैं, मेरे को यहाँ से let's say एक north place जाना है, ठीक है? So I need to find out कि कौन सा ऐसा path है जो shortest है. तो वो हो सकता है एक path हो जो by road तो लंबा है but उस पर traffic कम है. So maybe we are sorting based upon the time. और मे बी वी आर सॉर्टिंग बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस. सो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स को कैसे डेटा को स्टोर करना है अपने कंप्यूटर में, कौन सा एल्गोरिथम उस पर अप्लाई होगा, कैसे वो रन होगा, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कितना टाइम वो लेगा रन होने में, ये सारा एनालिसिस आपको पहले सीखना पड़ेगा. देन यू विल स्टार्ट विद द कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, राइट? सो दीज कंपनीज विल एक्सपेक्ट कि आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हो, आप लार्ज स्केल की प्रॉब्लम्स को बहुत एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हो. उसके अलावा गूगल में और भी टाइप के रोल्स हैं. मशीन लर्निंग का रोल है तो उसमें अलग रिक्वायरमेंट्स है कि आपका ML में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास एक मास्टर्स या PhD होनी चाहिए, या आपके पास कुछ रिसर्च पेपर्स होने चाहिए. एंड गूगल में आपके पास UI/UX के रोल्स भी होंगे, तो अगर आप क्रिएटिव हो, आपको डिजाइनिंग पसंद है, या आर्टिस्टिक हो, आप उसमें भी जाना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हो. नॉन टेक रोल्स के लिए भी गूगल लेती है लोगों को. दे हैव पीपल हु मैनेज देयर कम्युनिटी, Yahoo, help in organizing workshops, events, talks, उस type के roles भी हैं, but mostly हम programming वाले roles पे भी focus कर रहे हैं. तो मुझे लगता है इसने question पूछा है उसका non-tech role का तो नहीं होगा क्योंकि, but एक चीज़ मैं बोलूँगा, ऐसे Microsoft, Google, all these companies are, I understand they are the dream companies, but एक बार देखना होगा, these are the companies who hire very people in a very small number. वो bulk में hire नहीं करते, हर college में जाएंगे नहीं campus के लिए, बहुत कम colleges में जाएंगे और बहुत कम लोग hire करेंगे. So it is good that you want to keep your focus on these companies, but remember that you know you have to keep your you know first year se hi in companies ke piche lag jaye aur sirf wahi padhe ki aapko in companies mein job lag jayegi to main personally encourage nahi karunga. Computer mein to aapko interest hona chahiye, aapko
थ्रिल आना चाहिए करने में, इसलिए नहीं कि सर प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि, तो फिर वही आई टी वाली बात हो गई। अभी तो वही करते आ रहे थे सालों तक कि भैया आई टी का एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, कॉलेज में जाना है, फिर वही आप गूगल के पीछे पड़ गए आप। तो इन्जॉय द कोडिंग, लर्न कोडिंग, बिकॉज उसमें उसका थ्रिल है। अभी मेरे हिसाब से तो देखो, पहले भी जैसे उन्होंने बताया कि पहले आपको बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको लॉजिक्स बनाने आने चाहिए, फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पे जाना है, फिर धीरे धीरे एल्गोरिथम्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर जाके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर अगर में है तो आप अभी इतना, मतलब अभी थर्ड ईयर के बाद ही प्लेसमेंट शुरू होगी, मे बी थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर माइट बी, यू नो। गूगल का ये रहता है कि दे कंडक्ट 4 एग्जाम्स, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। So you can give that exam in second year, but you might not be eligible. आप practice के लिए दे सकते हो, ठीक है? So they conduct a online competition, Google Code Jam. तो अच्छी बात ये कि it is open for all universities. So it does not depend कि आप tier 1 college में हो या tier 3 college में। Right. So आपको चाहिए कि आप competitive programming में अच्छे हो, ठीक है? So 1-1.5 साल आपको लगेगा अगर आपने पहले coding नहीं की DSL को अच्छा करने में, at least 6 months मैं मान के चलता हूँ। उसके बाद you start with competitive programming in your second year or in third year, right? तो focus करो अपन third year, तो पहले first second year में भी इतना companies के बारे में नहीं सोच रहा, right, कि company में जाना है इसलिए coding कर रहे हैं, right. That's not be, it's still a wrong approach, I would say. First second year आपका exploration का time है, you have to follow your passion, कि आपको अगर web अच्छा लग रहा है basic programming करने के बाद तो आपको web भी explore करना है, and अगर आपका maths में बहुत अच्छा स्कोर था या आप मैथ्स आपको बहुत पसंद है तो आपको कॉम्पिटिटिव में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बट आप अगर मैथ से दूर भागते हो और कॉम्पिटिटिव लेना चाहते हो, दैट माइट नॉट बी अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? तो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि रोड मैप कॉलेज में लर्निंग का क्या होना चाहिए, और इसमें स्पेसिफिकली पूछा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट, यू नो, गूगल और यू नो फेसबुक, इन कंपनीज में जाना है, तो बस ये कि मतलब व्हाट शुड वी लर्न सो दैट वी कैन गेट अ बेस्ट जॉब व्हेन वी कम आउट ऑफ द कॉलेज। और सो इसमें थोड़ा आंसर फर्क हो सकता है, यू नो, मतलब अगर क्योंकि अब जैसे आप बता रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, right. अगर तुम्हें गूगल में परफॉर्म करना है, right. तो ऐसे ही अगर मतलब चलो गूगल माइक्रोसॉफ्ट साइड में डालें कंप्यूटर, क्योंकि मुझे लगता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज नॉट दैट सिंपल थिंग टू डू, हर कोई नहीं भी कर सकता है, और दिस शुड नॉट बी द एंड गोल फॉर एवरीवन। सो बाकी अगर मान लो उसके अलावा अगर फोकस करना है तो आप क्या सीख सकते हो, देयर सो मेनी अदर कंपनीज एंड हाई पेइंग जॉब्स आर देयर, राइट? सो जॉब्स बहुत सारी हैं एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट अ मस्ट, राइट? सो इट्स गुड इफ यू नो इट, बट इट्स नॉट अ मस्ट, राइट? तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के भी आपको हायर करेंगी, provided you have a good grip on the fundamentals of computer science, right? So basic आप code सोच पा रहे हो, logic लिख पा रहे हो अपना, so that is well enough, right? हर चीज़ में इतना complex नहीं करना। अगर मान लो मेरे को Zomato के food के order ही sort करने हैं कि कौन सा order ज़्यादा quantity का है, तो वो उतना तो आप कर ही सकते हो, sorting तो कर ही सकते हो, ठीक है? So you can learn with your data structures algorithms, उस पर आप कुछ interview problems practice करो, दो 1-1.5 साल आप sufficient time होता है practice करने के लिए। उसके अलावा you can dive into some other technologies like web or Android. So Android के लिए आजकल पहले Java लोग use करते थे, then Kotlin and Flutter became very popular. So ये नई languages हैं which is used for Android development. Web development में दो components होते हैं, one is your front end, one is your back end. Front end means कि जो आप देख रहे हो app में, ठीक है? And backend is the server part जो आपका web app को भी चला रहे हैं और Android app को भी चला रहे हैं, right? तो इनमें Node.js is a popular technology, Vue.js use हो रहा है आजकल, और server side में आप Python भी use कर सकते हो। Python का एक framework है Django, एक framework है Flask, so you can also learn one of these frameworks for your server side programming, right? तो उसको use करके भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो road map यही होना चाहिए, सबसे पहले आप C++ या Java सीखो, उसके बाद बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट आप 3-4 चीज़ें एक्सप्लोर करो, देन यू डिसाइड कि मेरे को वेब करना है या मेरे को एंड्रॉयड करना है या मेरे को पाइथन को यूज़ करके कुछ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस वाले डोमेन में जाना है। एंड इट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि आप पहले वेब कर रहे हो एंड देन यू आर गोइंग इन टू ML एंड डेटा साइंस, बिकॉज जब भी आपको कंप्लीट एक प्रोडक्ट बनाना है खुद का, यू नीड ऑल ऑफ दीज स्किल्स। तो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कोर है या लिंक्डइन है, तो वो एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट वो एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, वो वेब पे भी अवेलेबल है, ठीक है? उसका कुछ सर्वर भी है, आप वहाँ पे डेटा भेज भी सकते हो, वहाँ से डेटा ले भी सकते हो। सो एक प्रोडक्ट बनाने में नीड्स अ वन टीम, जिसमें बैक एंड इंजीनियर्स, फ्रंट एंड इंजीनियर्स,
मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इंजीनियर्स वो लोग भी होंगे जो एल्गोरिदम्स को लिख रहे हैं और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? सो आपको डिसाइड करना है कि उस टीम में आपको कौन से रोल पे फिट होना है. जिस रोल पे आप चाहते हो कि मैं हूँ, तो वो वाली स्किल्स आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो वही है कि हो सकता है कि फोर्थ ईयर में जाके आपको लगे कि अपना स्टार्टअप करने का कोई आइडिया, टीम बना के काम कर रहे हो, तो उसके लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काम नहीं आएगी, right. उसके लिए तो आपने अगर कोई वेब एरेस है, वेब की आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है, या आपका एंड्रॉइड आपको आता है, तो हो सकता है आपका ऐप आईडिया उस पर काम कर रहे हो, तो वही फोकस है कि ऐसे कोई मतलब मैडली शुरू से जॉब के पीछे नहीं कि जॉब किस कंपनी में लगेगी, अपने अपनी पैशन बढ़ाना है, अपने सीखना है आईटी वर्ल्ड में एज मच एज पॉसिबल. मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो गूगल में जॉब कर रहे हैं या कहीं पे कर रहे हैं अच्छी कंपनीज में, सो जो लोग कॉम्पिटिटिव पैशनेटली करते थे वो उन लोगों को सक्सेस मिला है. जो लोग बस करने के लिए कर रहे हैं कि यार कॉम्पिटिटिव करनी है, जॉब लेनी है, उन लोगों को सक्सेस उतना नहीं मिला है, ठीक है? और ये भी समझना पड़ेगा कि अब ये जॉब मिल गई, राइट, वहाँ चले गए, वहाँ भी तो यही काम करोगे. अगर आप इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपका पैशन नहीं बनेगा कोडिंग, तो वहाँ जाके परेशान हो जाओगे, right. कि वहाँ मज़ा नहीं आएगा. तो आइडिया तो मतलब मज़ा लेने का, और अगर मज़ा ना आए इसे जॉब में, अगर मज़ा नहीं आ रहा कॉलेज में, तब भी ठीक है, चार साल में कॉलेज खत्म हो जाता है. आपने प्रिपरेशन करी थी, मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन पता है जी एंड गोल है, खत्म हो जाएगा. लेकिन इंडस्ट्री में जाने के बाद, जॉब में जाने के बाद, तो वही काम आपको सॉल्व करना है, वही आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा, वही आपके स्किल्स हैं, वही उसी के बेसिस पे आप कंपनी में ग्रो करोगे. तो मजा आना जरूरी है एज कम्पेयर टू कि आप जस्ट की नौकरी लगनी चाहिए. नौकरी लगने के बाद भी तो फिर प्रॉब्लम है. सही बात है. तो एक क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है जो समबडी इज यू नो डूइंग टेक्सटाइल फ्रॉम आईआईटी एंड ही इज आस्किंग शुड आई फोकस यू नो ऑन माय ब्रांच इन आईआईटी टू गेट जॉब इन टेक्सटाइल और शुड आई लर्न कोडिंग एंड ट्राई यू नो गोइंग इनटू आईटी इंडस्ट्री. सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई एम श्योर लाइक पीपल हु आर यू नो इन आईआईटीज एंड एनआईटीज हु आर नॉट इन सीएस ब्रांच They would have this question कि मैं अपने डिपार्टमेंट पर फोकस करके वहीं पर डिपार्टमेंट की जॉब लूँ या मैं कोडिंग सीख के मैं आई टी इंडस्ट्री की तरफ अलाइन होने की कोशिश करूँ. तो मेरा मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, फिर प्रतीक से प्रतीक का ओपिनियन सुनेंगे. तो जो मेरा ओपिनियन ये इट डिपेंड्स आप कौन से साल में हो. आप अगर बिल्कुल फोर्थ ईयर में हो तो और क्लियर ही हो रहा होगा कि आप डिपार्टमेंट में जाने वाले हो नहीं. अगर हाँ सेकेंड और थर्ड ईयर में होंगे तभी शायद आपने वाला क्वेश्चन पुटअप किया है. तो उसमें देखिए पहले तो आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है जाने का कि आप यू नो क्योंकि अगर आईटीज में हैं तो आपका एप्टीट्यूड तो अच्छा होगा क्योंकि आईटी क्लियर करा आपने. तो मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में काफ़ी उस तरह का ही टेस्ट होता है कैट का. तो वो अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको मैनेजमेंट में जाना है, तो उस डायरेक्शन में फोकस करो. अपना जो अगले कुछ बचा हुआ टाइम है अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, अपने उस तरह के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने में, उस तरफ अलाइन करो. एसएच कोडिंग सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है. बट अगर ये क्लियर है कि आपने मैनेजमेंट जॉब पे नहीं जाना, तो और टेक्सटाइल सिविल ऐसी इस तरह की जॉब में मेरा पर्सनल ओपिनियन अगेन ये बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. हो सकता है डिपार्टमेंट के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. वेयर एज यू आर अ स्मार्ट पर्सन बींग यू नो टॉप ग्रेड कॉलेज और एंड यू कैन लर्न कोडिंग लाइक एनीथिंग. ठीक है, उतनी डेप्थ में नहीं सीख पाएंगे, टाइम कम है. अगेन अगर सेकेंड ईयर में तो काफ़ी टाइम है, अगर थर्ड ईयर में तो कम है. तो मैं कहूँगा कि फोकस करो, कोई बुराई नहीं है. बेशक आपने बाद में आईटी इंडस्ट्री में ना भी जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के आपको जहाँ पे 90% जॉब्स हैं आईटी इंडस्ट्री में, अगर उसमें ऑप्शन मिलती है आपको, देयर इज नो हार्म, डेफिनेटली यू शुड डू इट. इट्स नॉट कि आपको सालों साल प्रिपरेशन करनी है जॉब लेने के लिए. बींग अ स्मार्ट गाय, आई डोंट थिंक अगर आप एक साल भी मेहनत करेंगे तो आपको यू नो मतलब आईटी इंडस्ट्री की बेस्ट जॉब भी ले सकते हैं आप. हाँ, ये हो सकता है कि आपको बींग फ्रॉम अगेन फ्रॉम आईटी, यू माइट हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड डूइंग स्कॉलरशिप. तो वही गेट अ स्कॉलरशिप एंड डूइंग योर यू नो गिव अ जीआरई एग्जाम एंड डू पोस्ट ग्रेड. तो वो भी हो सकता है. मैं मान रहा हूँ कि वो नहीं है, वो ऑप्शन भी नहीं है, एमबीबी ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड लर्न कोडिंग, बिकॉज एक नई लाइन एक पैरेलली खुल जाएगी. जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, अभी दो दिन पहले ही एक मेरा स्टूडेंट आईटी में मैकेनिकल कर रहा है वो, तो उसने था कि हमारा ऑनलाइन कोर्स है कोडिंग ब्लॉक्स का, तो पहले उसने आई थिंक जावा या कोई बेसिक कोर्स किया था. नाउ ही इज़ टू मच इंटरेस्टेड इनटू डेटा साइंस, तो ही वाज आस्किंग यू नो बीइंग वीएमसी एंड विल आई गेट सम डिस्काउंट. तो मैंने भी तो वही मैंने उससे वही समझ रहा था कि यार तुम तो मैकेनिकल में हो, इट्स व्हाई डोंट यू वांट टू फोकस. तो उसका भी यही ओपिनियन था, मैकेनिकल है ठीक है, मैं कर रहा हूँ अभी, मैं सेकंड ईयर में हूँ, बट मैंने डेटा साइंस का वेबिनार देखा था, प्रतीक ने वेबिनार लिया था वेब पे, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है एक्सप्लोर करने में कि डेटा साइंस है क्या.
तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर तक आप थोड़ा एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको पता क्या चलेगा. आई एम श्योर कि माइट हैव फिगर्ड आउट दैट मैकेनिकल तो ठीक है, इतनी वास्ट फील्ड है और थोड़ा सा भी सीखा है हमने, लेकिन इस डेटा साइंस में इसको बड़ा मजा आया. और डेटा साइंस बीइंग ही वाज अ गुड स्टूडेंट व्हेन ही वाज इन 11th एंड 12th, तो उसने मैथ्स इसको अच्छी लगती है, तो डेटा साइंस तो मजा आएगा ही आएगा उसको करने के अंदर. तो वही मैं कह रहा हूँ एक बार आप कुछ दिस नो हम इन एक्सप्लोरिंग यू नो इवन इफ यू आर इन टेक्सटाइल आई एम सेइंग इवन इन अदर ब्रांचेस आल्सो. तो प्रतीक तुम्हारा कोई ओपिनियन इस बारे में? तो मेरा भी यही ओपिनियन है कि एक्सप्लोरेशन तो मस्ट है. मतलब जब तक आप ट्राई नहीं करोगे या टेस्ट नहीं करोगे उस चीज को, तो आप कैसे बता पाओगे कि स्वीट है या सोर है. ठीक है, तो ट्राई करो एटलीस्ट. और कॉलेज में सफिशिएंट टाइम होता है सबके पास. डेफिनेटली मतलब देखो यार, जो कॉलेज एग्जाम्स है वो तो एक हफ्ता पहले पढ़ के निकल जाते हैं, उसके अलावा जो 3-4 महीने होते हैं सेमेस्टर के, यू गेट लॉट ऑफ फ्री टाइम कि आप फेस्ट भी इंजॉय कर लो, खेल भी लो, पढ़ भी लो, कोडिंग भी कर लो. सो यू कैन डू इट, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट. तो एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि मैं आई एम डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो डू यू थिंक आई शुड लर्न कंप्यूटर साइंस? आई हैव नॉट डन एनीथिंग येट इन कोडिंग इन कंप्यूटर साइंस, डू यू थिंक आई शुड डू इट? तो ये जो क्वेश्चन रिलेटेड था तो मैंने इसलिए पिक किया वाला क्वेश्चन. देखो इलेक्ट्रिकल, मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, तो मैं जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आंसर किया था टेक्सटाइल वाला जो क्वेश्चन जैसे इससे पहले, और एग्जाम्पल ही मैंने मैकेनिकल का लिया. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा है कि थोड़ा काफ़ी कनेक्टेड है कंप्यूटर साइंस. आई वुड से इट्स जस्ट यू नो ब्रदर सिस्टर काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि अब देखो हर मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे ही चलता है, वो कंप्यूटर भी पूरा हार्डवेयर है और उस पर सॉफ्टवेयर चलता है. जो भी मशीन है वो हार्डवेयर है, उस पर सॉफ्टवेयर चलता है. सॉफ्टवेयर वी पुट ऑन दैट इन द फॉर्म ऑफ ड्राइवर्स एंड हार्डवेयर इज व्हाट इट सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स. तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर वालों को कोडिंग तो थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं उनको डायरेक्टली प्योर कोडिंग जॉब में जाने की कोशिश करनी चाहिए. हाँ, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तब करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में जहाँ पे हम कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस की 90% तो जॉब्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जॉब्स हैं काफ़ी उसके अंदर, और काफ़ी कंपनीज हैं जो स्पेसिफिकली यू नो दे हायर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ओनली फॉर द जॉब्स, एंड दे बट दे एक्सपेक्ट कि उनको कोडिंग आनी चाहिए. वो सैमसंग है जैसे, आप कितनी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, क्वालकॉम, टेक्सास, सो दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? सो इवन जैसे मैं आई वर्क फॉर सैंडिस्क फॉर कपल ऑफ मंथ्स, तो वहाँ भी इंटर्नशिप में ये था कि अगर आपके पास पैन ड्राइव है एंड यू वॉन्ट टू डू सम टेस्टिंग कि उसको अगर हम लेट्स से 200 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो कितने बिट्स हैं जो फ्लिप हो जाते हैं या कौन सा डेटा है वो करप्ट हो जाता है. यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू काउंट कि हर मेमरी लोकेशन पर हमने ये रखा था, नाउ आफ्टर हीटिंग इट टू अ सर्टन टेम्परेचर ये डेटा हो गया, राइट? सो या फिर फर्मवेयर आपको लिखना पड़ सकता है, राइट? सो फर्मवेयर इज दैट सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर. Yeah. Or your system, ये USB के through data transfer हो रहा है, कैसे हो रहा है? So everything is a piece of code that goes onto the hardware, right? तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही, मैं कहूँ सॉफ्टवेयर करना है, सॉफ्टवेयर जरूर आना चाहिए. जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जब जो काफ़ी लोग उस टाइम इंडिया में इतनी जॉब नहीं थी तो अब्रॉड गए, तो वो या तो केडेंस में और स्नॉपसिस, दीज वर द टू टॉप कंपनीज ऑफ द चिप डिज़ाइनिंग. केडेंस तो अभी भी सारे एप्पल के चिप्स केडेंस डिज़ाइन करता है, तो वो चिप डिज़ाइनिंग कंपनी है और वो सारी चिप डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पे होती है. मैजिक सॉफ्टवेयर था, मे बी अब नए सॉफ्टवेयर आ गए होंगे, बट तो वो उनको उन्होंने वहीं जॉब लेके वो तो काफ़ी वो सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं. तो कई लोगों ने अब तो ये फील्ड छोड़ के अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली है या सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली है. तो सॉफ्टवेयर आपने सीखना है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपने अपनी लाइन में नहीं जाना है. वो ऑप्शन भी ओपन रखनी है, क्योंकि बिकॉज कनेक्टेड फील्ड है और उसमें भी काफ़ी जॉब्स हैं. तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन एक आई एम श्योर किसी यू नो समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन द कॉलेज बिकॉज ही इज आस्किंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर जी सॉक. सो गूगल समर ऑफ कोड के बारे में पूछे. सो जिन लोगों को नहीं पता, सो गूगल समर ऑफ कोड इज अ एनुअल कॉम्पिटिशन जो गूगल कंडक्ट करता है. सो टू सपोर्ट लॉट ऑफ ओपन सोर्स टीम्स, जैसे कि मोजिला, इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर टू ऑल ऑफ यू. सब लोग मोजिला का ब्राउजर यूज करते हैं, राइट? सो उन ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं, दे गूगल डज सम काइंड ऑफ फंडिंग एंड इट्स अ 3-4 month कोडिंग पीरियड जब आपको उन प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलता है. एंड यू कैन बी रियली प्राउड इफ यू गेट सिलेक्टेड इन टू गूगल समर ऑफ कोड, बिकॉज जो आप कोड लिख रहे हो दैट इज बींग यूज बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनका कोड फ्रीली अवेलेबल है and those softwares are also freely available, so they are kaun bana raha hai un softwares ko, right? So open source ka matlab hi ye hai ki you are there are people who are
who are making their code open so that anyone can contribute, right? So Google Summer of Code, it's all about contributing to open source, and uske liye aisa koi crash course nahi hai ki aap ye course kar loge to aapka Google Summer of Code mein ho jayega. So what it needs a passion, right? And uski kuch certain guidelines hain, kuch coding period hota hai uska. So wo sari details main abhi isme discuss nahi karunga. There is a very good video by Arnav Gupta, who is also the co-founder of Coding Blogs. So उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो उन्होंने बहुत वो गूगल समर ऑफ कोड में मेंटर भी रहे हैं, एंड उन्होंने खुद भी दो बार कॉलेज टाइम में गूगल समर ऑफ कोड क्लियर किया है. एंड कोडिंग ब्लॉक से भी हर साल 3-4 मेंटर्स होते हैं जो गूगल समर ऑफ कोड में एज अ मेंटर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं. सो वी हैव अनुज फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स नोएडा, हु इज ऑल्सो एन ऑर्ग एडमिन. मतलब सो एडमिन एंड मेंटर्स डिसाइड कि आपका गूगल समर ऑफ कोड में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. And selection depends upon कि आपने अभी तक कितना काम किया project में, या फिर आपका proposal कितना अच्छा है. What are the features you are planning to implement in the next 3 months if they select you, right? So बहुत ही interesting competition होता है. Sometimes you also get a trip to Google office in US, and always हर साल stipend तो कुछ रहता है internship का, right? So वो amount vary होता रहता है, $few thousand के आसपास होता है. But that keeps on varying. तो एक मेरा इस पे क्वेश्चन होगा कि जैसे काफी लोग बच्चे जो हैं जो भी कॉलेज में जाएंगे, तो when should they go for GSOC? First year में तो हम कह रहे हैं उनको C++, Java सब लैंग्वेज सीखनी है. So GSOC के लिए mostly जो आपकी लैंग्वेजेस होंगी वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपके वेब के होंगे. सो वेब एक बहुत बड़ा वर्टिकल है. GSOC में आपके लेट्स से 70% प्रोजेक्ट्स आई थिंक वेब के होंगे. उसमें कुछ हो सकता है विजुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट है, या कुछ मेडिकल डोमेन का प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें ऐप पे काम करना होगा, एंड्रॉइड राइट. सो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी आपके पास होंगे. सो मोस्टली जो टेक्नोलॉजीज है, एज ए सेड, कि C++ एज सच डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा आपके प्रोजेक्ट्स में. इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड लॉजिक्स, राइट? सो आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट गूगल जैसी कंपनीज उनको यूज करती हैं C++ को. बट GSOC में आई डोंट गेस कि बहुत ज्यादा आपको C++ के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. तो फर्स्ट ईयर के बच्चे कम होते होंगे, सेकंड फर्स्ट ईयर के कम होते हैं, सेकंड एंड थर्ड ईयर के सबसे ज्यादा लोग होते हैं, इवन फोर्थ ईयर, राइट? सो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आप GSOC में ट्राई कर सकते हैं. तो अगर आपने कोडिंग नहीं की तो फर्स्ट ईयर आप कोडिंग सीखने में जाओ, सेकंड ईयर आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग में थोड़ा सा इंडल्ज हो जाओ, ओपन सोर्स क्या है थोड़ा वेब सीख लो, एंड्रॉइड या वेब. मेबी अगर आपने डिसेंट लेवल अचीव कर लिया तो आप सेकंड ईयर में अटेम्प्ट कर दो GSOC. क्लियर नहीं होगा कोई बात नहीं, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में यू मस्ट अटेम्प्ट कि मैं अब सीरियसली अटेम्प्ट कर रहा हूँ GSOC वाली चीज. हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो एज सच कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है पास और फेल का. इट्स ऑल अबाउट, उसमें लक भी हो जाता है. मतलब इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग पहले से कर रहे हैं, कुछ बाद में आए, तो थोड़ी सी लक वाला फैक्टर भी आ जाता है कि हुआ या नहीं हुआ. सो डू नॉट टेक इट एज अ क्राइटेरिया कि आई एम अ सक्सेसफुल कोडर और नॉट. सो इट्स गुड टू हैव ऑन योर रिज्यूमे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने एटलीस्ट ओपन सोर्स में जो कोड कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसी से यू गेट सम हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, राइट? और ओपन सोर्स की नॉलेज अपने आप में एक माइंडसेट बिल्ड हो रहा है. जैसे हम नगारो में इतने लोग हायर करते हैं फ्रेशर, तो मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं जिन्होंने ओपन सोर्स पे एक्सप्लोर किया होता है, और कुछ हैं जो जिन्होंने ज़्यादा ओपन सोर्स पे नहीं किया है. तो जो ओपन सोर्स में, क्योंकि आगे भी इंडस्ट्री में भी इतनी टेक्नोलॉजीज आती हैं, इतने फ्रेमवर्क से जो ओपन सोर्स पे काम करना होता है, तो माइंडसेट अलग ही होता है जिन्होंने ओपन सोर्स पे काम किया होता है, चीज़ों को रिसीव करने का, नई चीज़ों को ट्राई करने का, एक्सपेरिमेंट करने का. तो मेरे तो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ, एटलीस्ट तुम्हें ट्राई तो कर रहे हो तुम. उससे फायदा ये भी होता है कि ओपन सोर्स में जब आप कर रहे हो तो आप 10 लोगों को कोड पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, उनका क्या पैटर्न है कोड लिखने का, या उन्होंने कौन सी चीज कैसे इंप्लीमेंट की, तो यू लर्न फ्रॉम अदर्स ऑल्सो. एंड आप अगर उसमें अपना एक फीचर, एक भी फीचर ऐड कर पा रहे हो, इट्स एन अचीवमेंट कि आपने एक ऑल एग्जिस्टिंग रनिंग लेट्स मशीन में एक और पार्ट फिट कर दिया, right. So that's a good thing. इंडस्ट्री में चीज बहुत काम आती है, क्योंकि जब भी आप जाएंगे तो कोई जैसे कोई प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन किया आपने या सर्विसेज कंपनी ज्वाइन करी, तो हमेशा कोई फ्रेश से सारा कोड नहीं लिखा होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ज्वाइन करते हैं आप, या जोमेटो ज्वाइन करते हैं, तो आपको थोड़ा है कि बिल्कुल दोबारा से अपना सॉफ्टवेयर लिख रहे हो. सॉफ्टवेयर तो लिखा ही हुआ, आपको कुछ उसमें पीस फिट इन करना होगा, सारा कोड समझ के अपना एक पार्ट उसको एनहेंस करना होगा या नए पार्ट को बिल्ड करना होगा, लेकिन जो सारे सिस्टम के साथ चलेगा. तो कोड एग्जिस्टिंग पढ़ के समझना और उसके ऊपर एनहेंस करना इज अ स्किल विच विल डेफिनेटली बी यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ. तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि किसी ने पूछा है कि आई एम रियली कन्फ्यूज वेदर आई शुड लर्न वेब or I should learn app development, that is like, you know, app is in Android or iOS.
तो मैं मेरा अपना ओपिनियन शेयर करूँगा, फिर प्रतीक आप भी इसमें कमेंट करना कि जैसे मैं इंडस्ट्री में हूँ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से, तो अगर ऐप अगर हम देखें जो लोग एंड्रॉयड iOS में काम कर रहे हैं, विच इज़ यू नो द जॉब इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट मोर देन 10%. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अगर एज कम्पेयर टू वेब, वेब इज 90% एंड यू नो ऐप इज 10%, मे बी इवन लेस. तो और ऐप सीखने में बहुत यू नो वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर जनरली कॉलेज में लोग iOS कम सीखते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा सीखने में, एंड्रॉइड सीखने में. वेब में तो बहुत वास्ट है, बहुत लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. उसके फ्रंट एंड पार्ट में ही आपको जावास्क्रिप्ट तो आनी चाहिए, फिर HTML चूंकि ईजी है लेकिन तभी सीखनी पड़ती है. उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क है, और फिर बैकएंड है, बैकएंड में आपका फिर जावा यूज करोगे आप, या आप उसमें पाइथन यूज करोगे, उसमें आप नोड यूज करोगे. सो बहुत वास्ट है सीखना. तो मैं कहूंगा कि उसके अलावा डेटाबेसेस भी हैं. यस, डेटाबेसेस है, में खुद वैरायटी है. NoSQL डेटाबेसेस है, MongoDB है, MySQL है, SQLite 3 है. तो कौन सा डेटाबेस कौन से प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है वो चूज करना, देन उसको सीखना कैसे वो वेब सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा. सो वेब इज अ ओशन, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को पूरी वेब डेवलपमेंट आती है, राइट? इवन द एक्सपर्ट्स डू नॉट क्लेम दिस कि आई एम अ वेब डेवलपर. वेब डेवलपर आप बन जाओगे, बट पूरा वेब सीखना है तो वेब सीखना ही है. अगर दोनों को दिस और दिस नहीं है, वेब तो सीखना ही है. एंड्रॉयड मतलब ऐप डेवलपमेंट ऑप्शनल है कि आपको इंटरेस्ट, आप मैं कह रहा हूँ करके देख लो, 2-3 महीने करेंगे तो उसमें 6 महीने में तो आपको आ ही जाएगा. तो आप 2-3 महीने या 5-6 महीने करेंगे तो वो उतने में इट्स एनफ टू मेक योर ओन ऐप. प्लेंटी ऑफ नॉलेज यू कैन गेन इन 6 मंथ. तो वो आप ऑप्शनल है, करें ना करें, बट वेब ऑप्शनल नहीं है, वो तो करना ही करना है. मतलब दैट्स नॉट एन ऑप्शन. वो तो दोनों में से दिस और दिस नहीं है. दिस डेफिनेटली वेब डेफिनेट है, और बाकी के लिए ऑप्शन है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं. आपके लोगों को इंटरेस्ट होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्यूरियोसिटी होती है कि ऐप बनती कैसे हैं जो सारे दिन ऐप यूज़ कर रहे हैं. तो कोई काम नहीं है, कोर्स कर लो. और आजकल तो फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, इससे मुझे तो रिएक्ट नेटिव का पता है, क्योंकि काफ़ी लोग नगैरों में काफ़ी यूज़ करते हैं. पहले जैमरिन यूज़ करते थे, जो कोड जनरेट कर लेते हैं. जो मतलब अगर आपने कोई ऐप बनानी है एंड्रॉयड की, तो आप जनरल यू नो वेब में कोड लिखेंगे और वो कोड जनरेट हो जाएगा, राइट? तो आधा कोड तो आपका एंड्रॉइड का आपका वैसे जनरेट हो गया, जो आपकी कॉमन लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट में लिखा आपने, रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट पे चलता है आई थिंक, तो वो कोड जनरेट हो गया आपका. तो इसलिए एक ऑप्शन नहीं है, वेब तो करना ही करना है. हाँ, अगर अभी नहीं करेंगे तो कंपनी में जाके करना पड़ेगा. तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर वेब ना आता हो, कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, चांसेस कम है. I would say 90% of people they have to do web. और मतलब एंड्रॉइड ऐप अगर आपको इटसेल्फ अ कंप्लीट प्रोडक्ट बनाना है, यू स्टिल नीड वेब. क्योंकि जो एंड्रॉइड लेट्स से एक ऐसी ऐप है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इट ब्रिंग्स सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, राइट? उसमें अगेन यू नीड अ वेब सर्वर जो आपकी वेब ऐप को भी ऑपरेट करे. तो सर्वर वाला पार्ट है वो कॉमन है, वो आपकी वेबसाइट भी चला रहा है, वो आपकी एंड्रॉइड या iOS ऐप भी रन कर रहा है. सो जब हम ऐप की बात कर रहे हैं, सो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कोड व्हिच इज इन योर फोन, बट पीछे से डेटा कैसे आ रहा है उसके लिए यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट्सएप. देखिए, सारे मैसेज जो आ रहे हैं वो तो डेटाबेस से आ रहे हैं. आप मैसेज डालते हैं, मैसेज जाता है यहाँ से, फिर वो सर्वर पे जाएगा, वेब सर्विस को कॉल करेगा, वहाँ से वो डेटा सर्वर के ऊपर जाएगा, सर्वर से डेटा फिर दूसरे फोन पे जाएगा. तो फोन वाला कंपोनेंट तो बहुत व्हाट्सएप पे बहुत छोटा है, बाकी तो सारा सर्वर वाला कंपोनेंट है. तो कई बार हमें लगता है जैसे कि हम कोई स्विगी की ऐप यूज कर रहे हैं खाना ऑर्डर करने के लिए, हमें लगता है कि सारा काम उसमें ऐप का है, बट ऐप का काम है उससे कहीं ज्यादा काम पीछे सर्वर का है. बिल्कुल. सारे एल्गोरिथम सर्वर पे चल रहे हैं, जो सारे तुम्हारे जो लॉजिस्टिक सारा जो सारा है वो सारा फोन पे नहीं हो रहा है, सर्वर पे हो रहा है. मान लो 10 लाख लोग हैं और उनको पूल कराना है, सो यू नीड टू राइट एन एल्गोरिथम की पूलिंग कैसे होगी, कौन से बंदे को मैं कहां से पिक करूंगा और कहां पे ड्रॉप करूंगा. तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स आपको सीखने को मिलेंगे व्हेन यू learn this web development. And जो आपने competitive coding में algorithms सीखे हैं, you will get a chance to apply them for a real life product. जैसे मैं Uber pooling algorithm की बात कर रहा हूँ, तो उसमें graphs का कुछ Dijkstra algorithm होता है, वो use हो सकता है, right? तो आज के लिए I think this was a good discussion. So thank you Munna भैया, and I hope आप सबने भी enjoy किया होगा and काफी सारे आपको interesting insights पता चले होंगे कि coding के world में क्या क्या चीज़ें हैं, एंड बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. एंड एक पार्ट हम और करेंगे स्ट्रीम इसका नेक्स्ट डे, एंड उसमें हम कोडिंग एज अ करियर के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि
कोडिंग से करियर में क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो हमने थोड़ा डिस्कस कर भी लिया है, थोड़ा मशीन लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे, काफी मशीन लर्निंग एआई इज अ वेरी हॉट फील्ड एंड पीपल आस्क सो मेनी क्वेश्चन अबाउट मशीन लर्निंग, राइट, स्टार्टअप कैसे करना है, मतलब काफी लोग पूछते हैं कि मेरे पास अपने आइडियाज हैं, मेरे पास अपनी टीम है, आई वांट टू मेक माय ओन स्टार्टअप, उसके तो जॉब्स की बात कर रहे थे, जॉब्स कैसे लेनी है, बट जरूरी नहीं है सब लोग जॉब्स सीकर्स ही बने, सो यू हैव टू बी अ जॉब गिवर आल्सो, जॉब्स देनी भी है लोगों को, ठीक है, तो मुन्ना भैया ने जैसे 3 कंपनीज को फाउंड किए हैं, सो ही इज अ एंटरप्रेन्योर, और भी किए हैं, बाकी चले गए, बाकी चले बारे में 2-3 और भी किए थे जो नहीं चले, एंड देयर एक्सपीरियंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई लर्नड फ्रॉम द फेलियर्स, राइट, We'll discuss next as a startup founder, क्या failures, क्या चीजें hit की, क्या चीजें fail की, उन सब के बारे में भी हम discuss करेंगे. So thank you guys. Thank you so much. We'll see you guys in the next video. And if you like this, so please share it with your friends. उनका भी थोड़ा benefit हो. And subscribe the channel if you have not done already.